हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में आज हम सॉल्व करेंगे इन्वायरमेंट के पांच क्वेश्चंस और ये पांच क्वेश्चंस स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों का एक बहुत ही अच्छा एक मिश्रण है एंड द आइडिया इज़ टू टेस्ट योर नॉलेज इन द सब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए और अपना स्कोर नीचे कॉमेंट्स में लिख दीजिए अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं अभी काफ़ी टाइम है प्रिलिम्स में बट ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं दे विल मेक श्योर कि हम अपना टारगेट ऑफ क्लियरिंग प्रिलिम्स अचीव करें इन क्वेश्चंस को आप इस नज़रिए से मत देखिए सिर्फ कि मुझे आता है या मुझे नहीं आता है अगर आपको आता है या अगर आपको नहीं आता है दोनों ही केसेस में एक्सप्लेनेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए ताकि अगर कुछ पॉइंटर्स हैं जो हो सकता है आपने पहले ना पढ़े हो तो वो आपको पता चल जाएंगे और अगर पढ़े हुए हैं तो आपकी रिविज़न हो जाएगी सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ दिस प्रीमिक्स वीडियो सो so, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो टैग्स दिए गए हैं इनमें से कौन से सुंदर बंश को मिले हैं इंडिया में तो इन फैक्ट ये सभी ही मिले हुए हैं सुंदरबंस इज़ अ रामसर साइट इंडिया में 75 फाइव रामसर साइट्स है सुंदरबन आई थिंक ट्वेंटी सेवन्थ रामसर साइट थी इंडिया की एंड जब हम सुंदरबंस की बात करते हैं आउट ऑफ द सेवन नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फाउंड इन इंडिया सुंदरबंस इज़ वन ऑफ द सेवन मैन एंड बायोस्वेयर रिजर्व्स 12 है इंडिया में आउट ऑफ 18 बायोस्वेयर रिजर्व्स उसमें सुंदर वनस इट्स नेम एंडन जो सुंदरबन नेशनल पार्क है उसका जो कोर एरिया है दैट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिज़र्व तो बेसिकली ये चारों ही चारों आर टैक्स आर गिवन टू सुंदरबंस तो वन ऑफ द वेरी रेयर साइट्स है जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी हम इम्पॉर्टेंट यू नो पढ़ते हैं टैक्स पढ़ते हैं वो सभी सुंदर को मिले हुए हैं राइट right? अब अगर हम सुंदरबंस की बात करें तो सुंदरबन आपको इंडिया में भी मिलता है बांग्लादेश में मिलता है इट इज़ ह्यूज डेल्टा इट इज़ ह्यूज डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एट द माउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल विच इज़ फाउंड इन इंडिया एंड बांग्लादेश इंडिया में ये सिक्सटी है एंड फोर्टी जो है ये हमारे पास बांग्लादेश में है एंड लाइक आई सेट इट इज द ट्वेंटी सेवन्थ राम साइट इन इंडिया अभी सेवेंटी फाइव राम साइट्स हैं एंड सेवेंटी फिफ्थ ईयर ऑफिपेंड इंडिपेंडेंस वी हैव सेवेंटी फाइव रामसर साइट्स और अगर हम नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो इंडिया में सात है उनमें से एक हमारे पास सुंदरबंश है सात नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और एक मिक्सड है जो कि कंचन चौंका है हमारे पास सिक्किम में वो भी इसमें इंक्लूडेड है उसके बाद सुंदरबंश बायोस्वे रिजर्व भी है है ये और इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइव साइट्स दैट हैव बीन रिकोगनाइज ग्लोबली हैविंग द हाइस्ट ब्लू कार्बन स्टॉक ठीक है ब्लू कार्बन होता है जो कार्बन कैप्चर किया जाता है यहाँ पर वन ऑफ द फाइव हाईएस्ट ब्लू कार्बन जो है वो कैप्चर होता है बाय द बायो बाय द बायोडाइवर्सिटी और बाय द वेजुटेशन विच इज़ फाउंड इन सुंदरबंस उसके अलावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड नदरन रिवर टैरापिन इज अर टोटॉइस और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है बहुत ही आ, कम देश हैं जहाँ पे ये रहता है मोस्टली ये एक्सटिंक्ट हो चुका है वेरियस साउथ एशियन कंट्री से तो ये जो रिवर टर्टल है रिवर आइन टर्टल है एनआर ये आपको सुंदरबंश में मिलता है एंड इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड उसके बाद इरावडी डॉल्फिन इरावडी डॉल्फिन आपको यहाँ पर मिलती हैं उसके अलावा चिलिका लेक में मिलती हैं चिलिका लेक वी ऑल नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज एन इम्पॉर्टेंट राम सोसाइट इट इज़ ए लार्जेस्ट लगून इट इज वर्ल्ड सेट फिश इजरेबल है इरावडी डॉल्फिन इंडेंजर्ड है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड नदरन टेवर uh, रिवर टेरापिन भी आपको मिलता है उसके अलावा मैंग्रोव्स मिलते हैं मैंग्रोव में एक ट्री मिलता है सुंदरी ट्री जिसके ऊपर नेम्ड है सुंदरबंश ऑल्टरनेटिवली इनको ब्यूटिफुलॉस्ट्स भी कहा जाता है सुंदर इज रिलेटेड टू ब्यूटिफुल एंड बन मतलब फॉरेस्ट और अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव्स आर अडेप्टिड टू लो ऑक्सीजन कंडीशन क्योंकि सॉइल में ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है एंड वाटर लॉक्ड कंडीशन ठीक है बेसिकली जब हम सॉइल की बात करते हैं तो उसमें जो पोर्स होते हैं उसमें या तो पानी रह सकता है या एयर रह सकती है बिकॉज़ दे आर वाटर लॉक्ड सो दे डोंट हैव ऑक्सीजन दे तो इसलिए ना जो यहाँ के रूट्स होती हैं उनमें अडाप्टशन होती हैं जैसे उनकी रूट्स ना बाहर आई होती हैं एंड दे हैव सर्टन पोर्स फॉर गैशियस एक्सचेंज इनको कहते हैं न्यूमेटो फोर्स ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा अडाप्टशन है वन ऑफ द दडाप्ट आई एम टेलिंग यू देन दे आर ऑल्सो सॉल्ट टॉलरेंट कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स में सॉल्ट सिक्रीटिंग प्लांट्स होते हैं तो मैंग्रोव्स अपने आप में एक अलग टॉपिक है बट मैंग्रोव्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनविटली मिलते हैं ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी वेजिटेशन एक पर्टिकुलर बायो में मिलती है तो ये डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि स्टैटिक का हमारा टॉपिक है जैसे टाइगा टाइगा इज़ डिवॉइड ऑफ ट्रीज एक्सेप्ट स्टंटेड श्रब्स ये बिल्कुल गलत है क्योंकि टाइगा को बोरियल फॉरेस्ट या कॉनिफरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है यहाँ पे कॉनिफर्स मिलते हैं ऑल्टरनेटिवली इनको एवर ग्रीन नीडल लीव फॉरेस्ट भी कहा जाता है आपने देखा होगा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको एवर ग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट कहा जाता है तो टाइगा बोरियल फॉरेस्ट और कॉनिफॉरेस्ट फॉरेस्ट को एवर ग्रीन नीडल लीफ फॉरेस्ट कहा जाता है जो इसके ऊपर uh, हमारे पास बायो मिलता है टुंडरा दैट इज़ ट्रीलेस दैट इज़ नेम्ड आफ्टर टुंडरी विच मीन्स ट्रीलेस प्लेन तो उसमें ट्रीज नहीं होते इनफैक्ट जो टाइगोर टुंडरा में डिफ्रेंसीशन ये है कि ट्री लाइन आता है ठीक है तो हमारे पास टुंडरा uh, में ट्रीज नहीं होते इनफैक्ट टुंडरा आपको यू नो यू हैव आर्कटिक टुंडरा यू हैव अंटार्कटिक टुंडरा यू आल्सो हैव एल्पाइन टुंडरा जो कि पहाड़ जो बहुत बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं उनके टॉप पे जहाँ पे पेड़ नहीं मिलते कंटिन्यूसली मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऑफ द ईयर दे आर कवर्ड विद स्नो दैट इज़ नोन एज एल्पाइन टुंडरा तो टाइगर में तो पक्का ही पेड़ होते हैं देन सवाना सवानाज uh, Are tropical grasslands so these have scattered trees and fire resisting thorny shrubs that is true or savannah maybe fire is an important uh, you know just uh, getting a part of the ecosystem. ठीक है तो फायर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पेड़ मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं और अगर हम टेम्परेड ग्रास लैंडस की बात करें जिनको स्टेपे भी कहा जाता है वहाँ पे तो बहुत ही कम पेड़ मिलते हैं इनफैक्ट सवाना ट्रॉपिकल फॉर ट्रॉपिकल ग्रास लैंडस होते हैं स्टेपी टेम्परेड ग्रास लैंडस होते हैं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स में आपको पेड़ फिर भी मिलते हैं और बहुत लंबी लंबी ग्रासेज होती है जैसे एलिफेंट ग्रास जिसको जिसकी हाइट 15 फीट तक पहुंचती है टेम्परेट जो ग्रास लैंडस है जैसे स्टेपे वहाँ पे पेड़ बहुत ही ना के बराबर होते हैं और ग्रास ग्रासेस ग्रास का जो लेंथ होती है वो भी छोटी होती है तो ये भी कुछ डिफ्रेंसीशन डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं दोनों ग्रास लैंड के बीच में इनफैक्ट जो टेम्परेट ग्रास लैंडस हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड ठीक है क्योंकि वहाँ पे बीट बहुत कल्टिवेट की जाती है उसके बाद नेक्स्ट है कि टेम्परेट में आपको कौन सी स्पीशीज़ uh, मिलती हैं दीज आर ब्रॉड लीफ स्पीशीज़ विद लेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स ठीक है plants, तो ये भी जो हमारे पास है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि यहाँ पे भी आपको जो टेम्परेट uh, होते हैं वहाँ पे भी आपको ब्रॉड लीफ मिल जाते हैं uh, ट्रॉपिकल से कंपेयर करें अगर हम बट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम होती है ठीक है सो हमारे पास आंसर है बी टाइगा आपको पता है नदरन हैवीस्पेयर में इसको कॉनफेरेस फॉरेस्ट भी कहा जाता है एंड दीज आर ऑल्सो फाउंडेड हायर ऑल्टीट्यूड्स उसके बाद टुंडरा में हमारे पास मॉसेस लाइकन्स बहुत ही छोटे छोटे श्रब्स मिलते हैं राइट और बहुत ही कम ग्रोइंग सीज़न होता है बहुत ही शॉर्ट समर होती है फिर ग्रास लैंडस ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स की हमने बात कर ली ठीक है बहुत टॉल यहाँ पे आपको ग्रासेस मिलते हैं उसके बाद सवाना श्रब्स जो होते हैं दीज आर फायर रेजिस्टेंट तो यहाँ पे ना फायर बहुत स्प्रेड करती है तो दे कैन ईजिली ग्रो इन प्रेजेंट ऑफ जब वो फायर बंद होती है तो उसके बाद ये ईजिली ग्रो कर पाते हैं ऐसा नहीं है कि फायर के दौरान ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो सवानाज़ पे या जहाँ पर भी फायर होती है जैसे मेडिटेरेनियन बायोम्स में फ़ायर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये वाले ग्रास लैंडस में फायर बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है सवाना ट्रॉपिकल ग्रास लैंडस में तो जहाँ पे भी फायर होती है वहाँ पे आपको हमेशा फायर रेजिस्टेंट श्रब्स मिलेंगे ही मिलेंगे उसके बाद जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ये डेंस ब्रॉड फॉरेस्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइक ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट लेकिन यहाँ पर क्या है कि दे हैव लेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स प्लान्ट टू ट्रॉपिकल ब्रॉड फॉरेस्ट और उसके बाद आपको जो कॉनफरिज़ नीडर ली फॉरेस्ट होते हैं या उनको हम एवरग्रीन नीडरली फॉरेस्ट होते हैं वो आपको मिलते हैं टाइगा में या कॉनिफर कॉनिफरिस सॉरी टाइगा में या फिर आप बोरियल फॉरेस्ट फॉरेस्ट कह सकते हैं उनको ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव्स इन इंडिया के ऊपर आपको बताना है इन इन स्टेट्स में सबसे कम से सबसे ज़्यादा मैंग्रोव का एरिया कहाँ पर है ठीक है तो अगर हम बात करें ना सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है सेकंड नंबर पे गुजरात में है उसके बाद इसके हिसाब से आंध्र प्रदेश और देन महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में सबसे कम है फॉलोड बाय थोड़ा सा ज़्यादा आंध्र प्रदेश में उससे थोड़ा सा ज़्यादा गुजरात में और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में सो दिस इज़ द ऑर्डर इन विच मैंग्रोव्स आर फाउंड द साइज ऑफ द मैंग्रोव्स आर फाउंड इन इंडिया तो एरिया अंडर मैंग्रोव्स कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय गुजरात फॉलोड बाय आंध्रा फॉलोड बाय महाराष्ट्र तो इस पर भी आपको

इसके बाद एक ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है जो 2018 में लॉन्च हुई थी एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय सीआई आई कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल आई यू सी एन द नेचर कॉन्जर्व जिसको टीएनसी भी कहा जाता है डब्ल्यू एंड डब्ल्यू तो इन पाँच ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ना ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस बनाई थी तब अब यहाँ पर ऑलमोस्ट थर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैं और ये ना ट्वेंटी uh, में इन्होंने पहली बार स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव रिपोर्ट निकाली थी और अभी सेकेंड रिपोर्ट आई है तभी ये न्यूज़ में था और उसके हिसाब से ना पहली बार इन्होंने 2021 में निकाली थी ये रिपोर्ट और अगर हम देखें कि जो मैंग्रोव का साइज है ना वो हमारे पास इंक्रीज ही हुआ है ठीक है तो प्रीवियस एस्टिमेट से इट हैज़ इंक्रीज ठीक है और ठीक है और ऐसा माना जाता है कि रियल गेन से ज्यादा ना मैप्स इंप्रूव हुए हैं बट एट द सेम टाइम जो रेट ऑफ लॉस है मतलब लॉस तो हो रहा है देखो मैंग्रोव्स का ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो रहा लेकिन वो जो रेट ऑफ लॉस है वो डेफिनेटली कम हुआ है वो भी एक अच्छी बात है उसके बाद इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन है ये इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन एक बहुत ही सिम्पल uh, सा कॉन्सेप्ट है जी जिंगपिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था आई थिंक 2016 में दिया था तो ये यही है कि जहाँ पे ना ह्यूमन कम्युनिटीज जो कि हम हैं दे आर डिज़ाइंड टू प्रमोट दी ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल एंड प्लानिट मतलब ना वो नेचर को पार्ट ऑफ लाइफ मानते हैं रादर देन समथिंग विच शुड बी एक्सप्लॉयटेड फॉर देयर ओन गुड ठीक है तो नेचर को हमें एक्सप्लॉयट नहीं करना है हमें ऐसी ह्यूमन कम्युनिटीज बनानी है कि जो ओवरऑल वेलबींग प्रमोट करे लोगों का भी मतलब ह्यूमंस का भी और नेचर का भी तो इसका आंसर बहुत ए एंड बी है और यही यहाँ पे बताया गया है और ये जी चिंग पिंग ने जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन का तो कभी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन क्या है राइट एंड देन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये एक पी वाई क्यू है इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा अभी जैसे हमने मैंग्रोव देखा अंडोमान निकोबार में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा थे फिर गुजरात में थे फिर अंडमान निकोबार में थे तो इसमें से अंडमान निकोबार तो आता ही है एवरग्रीन भी मिलते हैं यहाँ पे एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है आपको चार जगहों पे मिलते हैं मोस्टली वेस्टर्न घाट्स में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और इनफैक्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसी में है ना तो तीन जगहों पर ही हमें मिलते हैं तो अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो उसमें से भी आता है एंड डेसिडस फॉरेस्ट भी आपको मिलते हैं तो आउट ऑफ ऑल दी थ्री ऑप्शन ठीक है अगर एक जगह है जहाँ पर सभी मिलते हैं तो वो हमारे पास अंडोमान एंड निकोबार है अब देखो अगर हम बात करें सौराष्ट्र की वो तो कम्प्लीटली यू नो कुछ होता है कि ये ऑप्शन बिल्कुल ही एक्सक्लूड हो रही है और इस ऑप्शन की तरफ हम जा रहे हैं तो अगर तुम बाकी ऑप्शन की बात करोगे ना तो बाकी ऑप्शन आप इस तरह से भी एक्सक्लूड कर देते हो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट सिफाई अंडमान एंड निकोबार के कहीं नहीं मिलते और आपको पता है मैंग्रोव भी यहाँ पे मिलते हैं और डेसीड भी थोड़े थोड़े यहाँ पर मिलते ही हैं तो जो हमारा आंसर है वो डी हो जाता है राइट तो जैसे अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें आ, मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ठीक है वेस्टर्न घाट्स में कोस्ट लाइन ऑफ पेनिसुलर इंडिया एंड ग्रेटर असाम रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो यहाँ यहाँ पे मिलते हैं उसके बाद अगर हम बात करें डेसीडोस फॉरेस्ट की तो वो अगर आप डेसिडोस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास हमारे देश में मैक्सिमम फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडोस ही होते हैं ठीक है और मैंग्रोव भी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैंग्रोव जो है इन स्टेट्स में मिलते हैं और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव हमारे पास वेस्ट बंगाल में मिलते हैं ठीक है सो दैट वॉज ऑल एंड अगेन आई वुड से आप प्लीज अपना स्कोर कॉमेंट्स में लिखिए कि, कि कल को आप रिवाइज करने अगर आते हैं या तो आपको पता चले कि पहले जब आपने अटैम्प्ट किया था तो आपका कितना स्कोर था वेदर यू हैव इम्प्रूवड अपॉन और नॉट ठीक है उसके बाद हमारा प्रिलिम्स का क्रैश कुछ अभी चल रहा है आज से पॉलिटी शुरू हुआ है इन्वायरमेंट का एक कॉम्पोनेंट इज ओवर इट इज़ अ लाइव क्लास तो अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं और इसमें आपके जैसे ही आप क्लास एंड करते हैं ना तो आपको एक क्विज मिलता है एक मॉड्यूल ख़त्म होता है तो आपको मॉड्यूल क्विज मिलता है ठीक है उसके अलावा इसमें जो है आपको आठ फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे एक टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट होते हो जिसमें एकेडमिक क्वेरीज आंसर होती है स्ट्रेटिजिक ग्रुप का भी पार्ट होते हो जिसमें यू हैव एक्सेस टू सिलेक्टेड कैंडिडेट आल्सो सो दैट मेंटर सपोर्ट इज देयर उसके अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें रोज़ एक यू नो एमसीक्यू क्विज शेयर होता है ताकि आप वहीं पे देयर एंड देन यू कैन अटेम्प्टोज क्वेश्चन ठीक है विद दी हेल्प ऑफ दी मैंटर uh, अगर uh, well, आपको डाउट है आप मेंटर से उसी टाइम पूछ सकते हैं बट सबसे बड़ी बात इसकी है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं एंड देन आल्सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ सी सैट मास्टर क्लास क्योंकि सी सैट चाहे क्वालिफाइंग है चाहे उसमें तैंतीस प्रतिशत नंबर ही चाहिए लेकिन बहुत सारे लोगों के वो भी नहीं आ पाते बहुत सारे लोग फेल टू क्वालिफाई प्रिलियम्स बिकॉज दे डिडेंट यू नो पास इन द सी सैट पेपर तो वो भी इंपॉर्टेंट है तो जितना रिक्वायर्ड है उतना हम इस मास्टर क्लास में कवर करेंगे एंड ऑल ऑफ दिस एट इलेवन हंड्रेड नाइन 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 सो दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स एंड वेरी यू कैन से वन स्टॉप सोल्यूशन इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर योर प्रिलिम्स दिस ईयर कोई भी डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कॉमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं सो दैट वज ऑल फो टुडे थैंक यू